हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स और रट्टा सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि पार्श्वनाथ है वो पहले, और महावीर हैं वो लास्ट, यानी 2400 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो जैनिज्म है उसमें वर्णा सिस्टम को, जो वर्णा सिस्टम था यानी वर्ण सिस्टम था, उसको मतलब मान्यता नहीं दी गई है, जबकि बुद्धिज्म में वर्णा सिस्टम था। अब आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो, हम बात करें जैनिज्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो आप बताइए कौन थे। पहले तीर्थंकर थे, उनका नाम था आदिनाथ, ना कि पार्श्वनाथ। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत हो गया, और सेकेंड स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है कि जैनिज्म में वर्णा सिस्टम नहीं है, बुद्धिज्म में इस चीज को माना गया। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है कि जो 2400 तीर्थंकर थे वो तो थे महावीर, और पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है उन्नत भारत अभियान को लेके। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका जो मोटो है वो रूरल एरिया के अंतर्गत जो स्कूल है या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना, और जो भी चैलेंज है उनसे निपटने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज है वो किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह जो उन्नत भारत अभियान है यह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ना वो सही है। उन्नत भारत अभियान है उसका मोटो यही है कि रूरल एरिया में जो स्कूल है ना उसमें प्रोफेशनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और इसी के साथ ही हमारे देश में हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं रूरल एरिया के मेनली, उन पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाएगा। और ये प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का ही एक प्रोग्राम है, तो यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही एक फैक्ट इसका ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये स्कीम है ना उन्नत भारत अभियान, ये IIT दिल्ली है वो इसको डेजिग्नेट करेगी, मतलब वो इसको मॉनिटर वगैरह करेगी, कोऑर्डिनेशन वगैरह का काम IIT दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर। आपको बताना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मोटो क्या है। तो देखो, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपने आई होप पांच और सोच लिया होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, इसका मोटो ये है कि हमारे देश में जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, जैसे कि नीट की एग्जाम होती है वगैरह, इन एग्जाम को क्लियर है, इन सॉरी इन एग्जाम को मतलब करवाना, एग्जाम कंडक्ट करवाना इसका काम है वो रहेगा। तो इसका काम क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो आज की हमारी पहली न्यूज है वो आई है अलेक्जेंड्राइन पैराकेट या अलेक्जेंड्राइन पैरोटेन तोते को लेके। तो क्या है ये हम देख लेते हैं। देखो, जो अलेक्जेंड्राइन जो पैरोट है इसका दूसरा नाम भी है अलेक्जेंड्रिन पैरोट भी नाम से इसको जानते हैं, मतलब अलेक्जेंड्रिन तोता कुछ इस तरीके का होता है। और यह मेनली हम बात करें तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मुख्यतः यह पाया जाता है। अगर बात करें हम इसे कंजर्वेशन स्टेट की तो IUCN में नियर थ्रेटेड लिस्ट में है, मतलब इसकी पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का 1972, इसके शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब इसका ट्रेड वगैरह नहीं किया जा सकता, बैन है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इस तोते की, इस तोते की इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह इंसान की नकल है वो कर सकता है, मतलब इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि यह इंसान की भाषा की मिमिक कॉपी है वो कर सकता है। कुछ वर्ड्स के ऐसा नहीं कि सारे इंसान की मतलब एक जन की कॉपी कर सकता है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जैसे इंसान की तरह यह बोल है वो सकता है। कंटेक्स्ट अभी ये था कि नई दिल्ली में कुछ लोग हैं वो मतलब अलेक्जेंडर जो तोता है ना इसकी स्मगलिंग कर रहे थे, मार्केट में बेच रहे थे, जो कि अलाउ नहीं है, तो इसीलिए अभी ये न्यूज़ में आया है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो अलेक्जेंडर तोता है ना, ये हम बात करें यहाँ पे तो साइटी साढ़े एक मतलब फैमिली है तोतों की, उससे बेसिकली बिलोंग है वो करता है, इसके जीन है उनका नाम है सेटिवुला। तो देखो, ये तो इतना याद नहीं रखना है, बट ये पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडाइन जो तोता था वो भी न्यूज में था, कौन सी उसकी प्रोटेक्शन लिस्ट वगैरह है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है महावीर जयंती को लेके। तो देखो, महावीर जयंती यानी जैनिज्म से है रिलेटेड है, तो इसके बारे में कुछ हम फैक्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैनिज्म आपको पता है आर्ट एंड कल्चर में और हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, जो महावीर जयंती है वो बर्थ एनिवर्सरी है लॉर्ड महावीर की, जो कि जैन धर्म से बिलोंग है वो करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध सॉरी जो जैन धर्म है उसके फाउंडर हैं बेसिकली। ये मतलब आपको ध्यान में रखना है कि महावीर जयंती है वो मतलब उनके फाउंडर के तौर पे मनाई जाती है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म रिलीजन। अब देखो, बात यह है कि हर साल जो महावीर जयंती है ना वो जो हिंदू धर्म में है, या बात करें कि जो हिंदी कैलेंडर है चैत्र मंथ होता है उसके 13 डे को यह मनाई जाती है। तो ये फैक्ट एक ध्यान में आपको रखना है।
इसी के साथ ही बात यह है कि महावीर है, इनका जो पुराना नाम था, जो इनका रियल नेम था, वो था वर्धमाना, और जो कि हम पहले आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। अब देखो, तो जैन धर्म को लेकर दो फैक्ट हैं। आपको पता है कि जैन धर्म की दो ब्रांच है, एक तो है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो दिगंबर का तो ये मानना है कि जैन धर्म है ना, वो 615 BC में स्टार्ट है, वो हुआ था, मतलब दिगंबर जो जैन धर्म है वो 615 BC से स्टार्ट हुआ था। जबकि श्वेतांबर का ये मानना है कि 599 BC से धर्म स्टार्ट हुआ था। मतलब कि श्वेतांबर का ये मानना है कि महावीर है, लॉर्ड महावीर है, इनका जन्म 599 BC में हुआ था और तभी से जो जैन धर्म है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जबकि दिगंबर स्कूल का ये मानना है कि महावीर का जन्म 615 BC में हुआ था और उस दौरान फिर वहाँ पे जैनिज्म की स्टार्टिंग है वो हुई थी। ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि जो महावीर हैं वो लास्ट तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का आपको पता होगा, एक स्पिरिचुअल टीचर, मतलब आध्यात्मिक टीचर थे। ये हमें ध्यान में रखना है, मतलब लास्ट तीर्थंकर थे महावीर। इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने जो भी मतलब जैन धर्म के आगाम या जो भी शिक्षाएं वगैरह हैं वो कंपाइल किसके द्वारा की गई थी? ये जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो कंपाइल की गई थी गौतमा स्वामी के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, गौतम स्वामी हैं, उन्होंने जैन धर्म की शिक्षाएं हैं जो भी है उनको संकलित किया था और फिर महावीर ने उनको प्रचार प्रसार उनको फैलाया है वो किया था। अब कुछ और फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जब आप बात ये जो जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं कौन सी हैं? अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, श्योर जो प्योरिटी यानी कि शुद्धता, और इसी के साथ ही नॉन अटैचमेंट। तो ये जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं। जब महावीर की डेथ हो गई थी, इसके बाद हुआ क्या था? जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक थी दिगंबर ब्रांच या दिगंबर शाखा, या दूसरी थी श्वेतांबर स्कूल या श्वेतांबर ब्रांच। देखो, दिगंबर और श्वेतांबर डिफेंस के हैं। दिगंबर है, इनका ये मानना था कि महावीर ने कभी शादी नहीं की, मतलब वो कुंवारे ही रहते, आयु जीवन ब्रह्मचारी जीवन उन्होंने निभाया था। इसके साथ ही जो दिगंबर है उनका ये मानना है कि वुमेन है वो साधु है, मॉन्क है वो नहीं बन सकती। इसी के साथ ही ये जो जैन आगमाज की जो प्रिंसिपल है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं दिगंबर, और ये कपड़े पहनने पर भी बिलीव नहीं करते हैं। मतलब दिगंबर जो कम्युनिटी है वो कपड़े नहीं पहनती है मेनली, और ये जो कम्युनिटी है दिगंबर ये मेनली साउथ इंडिया में पाई जाती है। इसके साथ ही बुंदेलखंड जो रीजन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में भी ये पाई जाती है। और बात करें श्वेतांबर स्कूल, तो श्वेतांबर स्कूल है, इनका एक मोटो क्या है? ये मानते हैं कि वुमेन है वो भी साधु है, वो बन सकती है, और इसी के साथ ही ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है ना, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही इसके जो FSDC के जो और मेंबर होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, UPSC है पूछ सकती है। अगर हम अदर मेंबर की बात करें तो RBI के गवर्नर होते हैं, इसके साथ ही SEBI के जो चीफ है, SEBI के जो हेड होते हैं, इसके साथ ही IRDAI के जो चीफ होते हैं, हेड होते हैं वो, और इसी के साथ ही PFRDA के चीफ होते हैं, वो सब इसके मेंबर हैं वो होते हैं। मतलब पांच लोग मेनली इसके मेंबर होते हैं, RBI से, SEBI से, IRDAI और PFRDA। तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है, और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के चेयरपर्सन होते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई FSDC का काम क्या है? देखो, इसका इम्पोर्टेंट काम यह है कि हमारे देश की इकोनॉमी को सुपरविजन, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी है इसको मॉनिटर करना। इसके साथ ही बड़े लेवल पे जो भी कोई फाइनेंशियल एक्शन लिया जा रहा है उसको फोकस करते हैं, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं डिफरेंट जो स्टेक होल्डर हो गए। क्योंकि आपको पता है कि SEBI है उसका अलग काम है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, IRDA है इंश्योरेंस का काम करती है, तो इनसे रिलेटेड जो भी कोऑर्डिनेशन का काम हो आपस में वो सारे काम है। इसके साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, रेगुलेशन वगैरह लेके आनी हो, ये सारे काम है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। इसका जो तो सेक्रेटेरिएट है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये भी UPSC पूछ सकती है, इस बार ये बॉडी काफी न्यूज में रही है तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सोफिया। देखो, सोफिया है क्या? सोफिया एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि एक प्लेन में, विमान में स्थापित की गई है। किस किस की है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। सोफिया जो ऑब्जर्वेटरी है ना वो USA की और इसी के साथ जर्मनी, इन दोनों कंट्रीज की है। सोफिया की फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। यह सोफिया की फुल फॉर्म है क्या? इसमें यह एक टेलीस्कोप है जो कि एक विमान के अंदर स्थापित की गई है। अब देखो, उसका फायदा क्या है पहले वो देखते हैं। देखो, नॉर्मल जो टेलीस्कोप होती है वो जमीन के या किसी पहाड़ के ऐसे हिस्से में लगाई जाती है,
बट कई बार देखो आपको पता है कि अर्थ का काफी बड़ा एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है, तो अगर वहां से भी हमें किसी टेलीस्कोप की जरूरत हो, अगर मतलब पानी वाले एरिया में, तो हम कैसे यूज करें? इसलिए ये बेसिकली बनाई गई है यूएसए और जर्मनी के द्वारा। इसका यूज क्या होगा कि भाई कहीं भी वर्ल्ड में इस विमान को लेके जाया जा सकता है और फिर उसकी हेल्प से डिस्कवरी है वो की जाएगी। तो ये इसका मेन मोटो रखा गया, मतलब विमान के अंदर ऑब्जर्वेटरी है वो लगाई गई है। तो इसका फायदा क्या होगा, रिसर्चर्स हैं वो कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में और स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ ही समुद्र वगैरह है उसके ऊपर भी मतलब स्टडी वगैरह की जा सकती है और टेलीस्कोप का जो भी डाटा है उसका यूज है वो किया जा सकता है। तो इसका मोटो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम के बाहर स्टडी करना और कौन कौन से ऐसे वेज हैं जहाँ पे मतलब जीवन संभव हुआ वगैरह वगैरह स्टडी के इसका यूज है वो किया जाएगा। तो यूपीएससी पूछ सकती है सोफिया के बारे में। अभी कंटेक्स्ट क्या था वो हम देखते हैं सोफिया के बारे में। अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि सोफिया ने हीलियम हाइड्रेट आयन के बारे में एक स्टेटमेंट है या मतलब एक अपना आप बोल सकते हो कि डिस्कवरी की है। अभी देखो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की कि जो हीलियम हाइड्रेट आयन यानी HeH+ जो आयन है ना, वो विश्व के पहले ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि यूनिवर्स में बने थे। मतलब जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था ना, तो सबसे पहले हीलियम हाइड्रेट आयन है इनका निर्माण हुआ है। ये स्टडी सोफिया के द्वारा भी की गई है, साइंटिस्टों ने सोफिया की हेल्प से इसको किया है। तो बस यही फैक्ट हमें ध्यान में रखना है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी साइज वगैरह है, वेवलेंथ वगैरह, ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। बस मेन कंटेक्स्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो उस दौरान सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहले चीज़ें बनी थी वो थी हीलियम हाइड्रेट आयन। बस इतना ही हमारे लिए काम का है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जीनोम सिक्वेंसिंग को लेके। देखो कंटेक्स्ट वैसे ही है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और इसी के साथ ही सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इन दोनों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इंडिया में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर। तो पहले हम जीनोम का मतलब समझते हैं। देखो आपको पता है कि एक इंसान के अंदर है काफ़ी सारे जीन होते हैं, तो जो जीन की जो सीक्वेंस होती है ना पूरे ह्यूमन बॉडी में, उसको बोला जाता है जीनोम। ये हमें ध्यान में रखनी है कि जीन कहाँ होते हैं, DNA में होते हैं। तो मतलब हुआ क्या, किसी भी जीव के DNA में जो भी जितने जीन है ना, सारे जीन, उनकी जो सीक्वेंसिंग है या फिर उनकी जो स्टडी होगी सारा, वो होगी जीनोम। ये हमें ध्यान में रखना है। और जीनोम की जो स्टडी की जाती है ना, इसको जीनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। और एक इंसान में नॉर्मली लगभग अनुमान माना जाता है कि 80,000 से 1,00,000 तक जीन है वो होते हैं। ये कुछ देखो जीन्स को लेकर इफेक्ट है, तो यूपीएससी इनके बारे में भी पूछ सकती है। अब ये जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे आपको पता है काफ़ी सारी ऐसी गंभीर गंभीर बीमारियां आ गई हैं और हर इंसान में अलग अलग तरह की बीमारियां फैलने लग गई हैं। तो अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी तो उसका बेनिफिट ये होगा कि रिसर्चर्स को पता चलेगा कि भाई इंसानों में किस किस तरह की बीमारियां हैं वो फैल रही हैं और कौन से इंसान में कौन सी बीमारी है, तो उसका डायग्नोस्टिंग कैसे करना है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन है, ट्रीटमेंट करना है, तो वहाँ हमें काफ़ी हेल्प है वो मिलेगी। और जो भी नई डिजीज डिस्कवर की जा रही हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट लेके आना है और इंडिविजुअल के लिए कैसी दवाइयाँ डिस्कवर करनी है, वो सारे काफ़ी सारे बेनिफिट यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे। तो अभी स्टार्टिंग का तो मोटो ये रखा गया है इस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट का कि 10,000 इंडियन जीनोम या 10,000 ऐसे लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, इनके ब्लड सैंपल की हेल्प से उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग है वो की जाएगी और फिर उनका डाटा धीरे धीरे और लोगों का भी कलेक्ट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है यूनेस्को जियो पार्क। देखो जिस तरीके से यूनेस्को के द्वारा आपको बताया कि मैन एंड बायोस्फीयर जो जो प्रोग्राम है ना, उसी तरीके से जियो पार्क का भी एक टैग है वो दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। मेनली उस साइट को दिया जाता है जो कोई जियोग्राफिकल एरिया में उसकी काफ़ी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस हो, इसके साथ ही एक तरीके से हम बात करें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो उसका, प्रोटेक्शन या फिर एजुकेशन के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ, मतलब कहीं वो यूनिक कोई ऐसी साइट है उसको जियो पार्क का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 147 यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क हैं लगभग 41 कंट्रियों में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है ना, ये तो क्या होता है कि एक बार जिसको टैग दे दिया वो बस मिल गया तो फिर लाइफ टाइम ठीक है। बट जो जियो पार्क का जो टैग है ना, वो 4 साल के लिए मिलता है, 4 साल के बाद में वापस उस साइट का रिव्यू किया जाता है। अगर वो जो गाइडलाइंस को फुलफिल करती है वो साइट, तब तो उसको वापस से रिन्यू करवा दिया जाता है, अदरवाइज उसको मतलब एक तरीके से कैंसिल है वो कर दिया जाता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि केवल 4 साल के लिए ही ये टैग है वो दिया जाता है। इंडिया की 2 साइट इसमें इंक्लूड है, एक तो है लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरा है कर्नाटका का एक आइलैंड जिसका नाम है यहाँ पे सेंट मेरी आइलैंड, और एक तीसरी साइट और सॉरी जो है कर्नाटका में वो है मेलप्पे बीच। तो 3 साइट है इंडिया की, एक तो लोनार लेक महाराष्ट्र की, 2 कर्नाटका में, कौन कौन, एक तो मेरी आइलैंड
सेंट मेरी आइलैंड, और दूसरा तीसरा है वो है मेलप्पे बीच कर्नाटका में। तो इन तीन साइट को यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का स्टेटस है वो दिया गया है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।